आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसका असर अब नजर आ रहा है। बाबा का बुलडोजर का डर अपराधियों पर साफ नजर आ रहा है। इसका उदाहरण हाल ही में थाना नगर कोतवाली में देखने को मिला। क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गोड्डा पुलिस की बुलडोजर चेतावनी ताबड़तोड़ कार्रवाई के भय से घटना में अनवांछित 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी इसराइल अपने परिवार जन के साथ थाने में हाथ में तख्ती लेकर आया, जिस पर साहब में आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो लिखा था। न्याकर आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल था और पुलिस अधीक्षक गोड़ा के अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर चेतावनी और ताबड़तोड़ कार्रवाई के डर और भय से खुद को थाने में आकर आत्मसमर्पण कर रहा हूं। पुलिस द्वारा नियमानुसार अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।